जाते हुए देखा, जाते हुए देखा मलकिन, मलकिन आते हुए नहीं देखा। नहीं नहीं महामंत्री, हम तुम्हारे पास आते हूँ मंत्रीवर, मंत्रीवर मैं तुम्हारे पास आती हूँ, मैं अपने बच्चों की भीख मांगूंगी, अपने बच्चों की भीख मांगूंगी। अब हमारे रास्ते करोड़े खत्म हो गए, याद रखो जी, यस। उन बच्चों को ऐसा मारो बचने ना पाए। ले जाओ लंबादार, हम उसके हाथ में इसलिए चप्पल पहना दिए थे कि याद दासी बनी रहे कि कोई आया था निशानी लेकर गया है। चलो तुम भी सो जाओ, हम भी सो जाए, हो सकता है महारानी हमारे पास आए पूछते पूछते। ये कहते ना हम लोग सो रहे थे, हमें क्या मालूम, सो जाइए।
मेरे दोनों पिसर थी वहां ड्यूटी किसकी थी आपके हवेली में बुलाओ भी हम उससे हराम जाते से पूछते हैं मंत्री वर के मंत्री जी तुमको मालूम हो तो बतलाइए मंत्री वर के मंत्री जी तुमको मालूम हो तो बतलाइए मेरे दूरे नजरिया सामने जगह मुझे मालूम नहीं कि कौन और बच्चे कहां आप तो जैसे पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं बच्चे लाया नहीं मंत्रीवर तुमको मालूम है मुझे तुम मेरे बच्चे थे तो मंत्रीवर आप क्या कह रही है महारानी जी मैं सच कहती हूँ मंत्रीवर महारानी जी आपको मालूम है आप मुझ पर इल्जाम लगा रही है मुझे कुछ नहीं मालूम और पता लगाऊंगा जैसे आपके बच्चे मिल जाएंगे आपको लाकर वापस कर दूंगा घबराइए नहीं अभी मैं जाता हूं पता लगाने के लिए मंत्रीवर मैं तुम्हारे हाथ धोती हूं तुम्हारे कदमों पर गिर करके मैं भीख मांगती हूं तेरे बच्चे दे दो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते जा रही हो नहीं मंत्रीवर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती सिर्फ इतना कहती हूँ कि तुम मेरे बच्चों को लाए हो मेरे बच्चे दे दो मैं तुम्हारे बच्चे लाया हूँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो बोलो क्या करोगी
लेकिन आज की बात इस हवेली से तुम भी निकलो। मैं चली जाऊंगी बंसीवाल, जाओ इस रात को छोड़कर चली जाऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे धक्के मारने की जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। लेकिन इतनी ख्वाहिश है मेरी, मेरे बच्चे दे दो मुझे। और दोबारा कभी इस राज्य में आने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी दोनों आंखें फोड़वा दूंगा मैं। मेरी आंखें फोड़ दो, मेरी आंखें फोड़ दो, मुझे सरकारी बंदीवान। लेकिन मेरे बच्चे दे दो मुझे। राज्य में राज कर लिया, अब हुकूमत चलेगी तो मंत्री खड़क सिंह की चलेगी। जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा। जाओ उस हरामजादे को बुला के लाओ। हम रात दरबार में सोते थे जी, साले तुम्हारा पैर हमारे मोड़ पर जाता था। नहीं मालिक, पहले बात समझिए, वो जितनी समय महारानी जी आ गई थी, वो जब जब धक्का हमारे ऊपर दी तो वह झटके में पैर आपके ऊपर चला गया। काट करके फेंक दूंगा, क्योंकि अब हुकूमत हमारी है। जो करे बगावत वो मरे भरी जवानी में, अरे खड़क सिंह वो बला है, आग लगा देगा पानी में। मंत्री वो भला जिसको आए सोला कला, एकदम टोपे होता। कहते हैं जिस वृक्ष में फल ना लगे, अरे उस वृक्ष को काट देना चाहिए। लोहा गरम हो हथौड़ा मार देना चाहिए। महारानी को मैंने धक्के मार के मैं जाओ, उनके दोनों सफोलों को
ऐसी ऊंची पहाड़ी से फेंको, ना रहे बांस और ना बाजे बंसी। मदर आप ये बताएं कि उन बच्चों को कहां पे फेंकना है, जैसे कि आप तो खुद जानती हो। जाओ किसी ऊंची पहाड़ी से फेंक दो, एक बच्चे को तुम फेंको और एक को तुम फेंको, तुम यहाँ के सेनापति और तुम यहाँ के भाई। जब मंत्री आपकी तरह हम बन जाएंगे, जिस तरह भाई आप कर रहे हैं इसी तरह हमको भी करना पड़ेगा, मतलब आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा और जो कुछ कहेंगे वो करना पड़ेगा। तुम मंत्री बन जाओगे हाँ भाई, तो जो हम कर रहे हैं वही तुम करोगे भाई। करे पर गरीब भाई क्या करोगे? और मालिक जो जो आप आज्ञा देंगे उसी को हम करेंगे। ये बात है भाई, करवाएंगे जाओ, करवाएंगे करेंगे ना, और नहीं करवाएंगे नहीं करेंगे। चले जाओ, एक बच्चे को तुम फेंक के आओ और एक बच्चे को तुम फेंक के आओ, और ऐसे ऊंची पहाड़ी से फेंकना जी बचने ना पाए। ठीक है मालिक, अगर वो बच गए तो तुम दोनों नहीं बचोगे, याद रखना, क्योंकि अब इस कंच नगर का राजा मंत्री खड़क सिंह। जाओ ठीक है, ले जाओ। निहाद खोपड़ी से खोपड़ी बनी, इन खोपड़ी मां मतभेद, खोपड़ी से खोपड़ी बनी, इन खोपड़ी मां मतभेद, और सबकी खोपड़ी में देवता बसे यही के बसे परे। आप बताओ भला नान नान लड़का चुराए लाए हाँ? और भाई हुआ तक का तो गलीमत रही हाँ? लड़कन के पहली बात तो हमें इतनी दयावत रही कि लड़कन के दूध पियाई तो का पियाई, ये शायद हमें सब दूधो झुरानी है हाँ? लेकिन डिब्बा का व्यवस्था करके दूध पिलाए हाँ? का जीवित कर। ये कहता है कि पहाड़ी पर से फेंक दो हाँ यार। का तुम्हारा फेंका फेंक जाये यार, फेंका तो न फेंके यार, हमारे बड़ी मया लागत यार। तुम्हारे मया लागत है और हमारे लड़कन का दया लागत है हाँ। दया लागत है कि मान लेना उन बच्चों को, हम उन बच्चों को फेंक देंगे हाँ। वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे हाँ। तो पाप के भागीदार बनेंगे हाँ यार। तो सही है ना हाँ। एक काम करो, बताओ अब ले आओ मूस मार दवाई हाँ। एका साले तो ओखी का मिला के दियो दाए हाँ। ठंडा में हाँ। हाँ। मिला के दियो दाए हाँ। और बेटा लिए पी हाँ। जाए फट फट आए के मरी हाँ। हाँ। यहाँ का राजकाज हम तुम संभाला जाए हाँ हाँ। चलो चलते चलो। हमें ले जाते हमें ले लिए बहुत वफादार हो, वाह इंडिया टॉप मिले दोनों नौकर। हम लोग बिल्कुल लौंडिया टॉप, लौंडिया टॉप। क्या बातें हो रही थी? हम इंडिया टॉप। ये बताओ बातें क्या हो रही थी? मालिक किसको दबा दिया जाता था मूस मार? मालिक बताए मालिक, अब साले का बताई हो, अब साले बताए रहे बताए रहे साले करायो दुर्दशा। मालिक बात ये है दरअसल माँ की, आप तो मालिक हमारी आदत को आप खुद जानते हैं। अरे मूस मार की दवा किसे पिलाएगा बोल। ओ ये बात क्यों मालिक? भाई ये कहीं की लड़कन का फेंका जाए कि ना फेंका जाए, तो हम कहा लड़कन का ना फेंका जाए, ले आवा जाए मूस मार दवाई और लड़का अलिका बेटा का मालिक, हम कहा कि लावा जाए मूस मार दवाई और
इनका बेटा का दिन जाता है और खाली है और फट फटा के जाए मरी। ये बताओ तुम्हारी जात कौन? हम हाँ मालिक आप तो खुद जानते नहीं जानते क्या मालिक? क्या जानते हैं आप मालिक? आप मालिक कौन जाता है? क्योंकि जैसे नवा की कथा नहीं चलती है वैसे तुम्हारी जुबान चलती है। गुरु के बाप बोलू तुम हो? क्यों 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 साले बातें बहुत जल्दी बना रही। तुम्हारी ड्यूटी रहेगी सेनापति के पास, अगर इधर उधर करता है तो गोली मार दे, ये हमारा हुक्म है। गांव में गोली साला कट में हरा। अबे बिना पेंदी के लोटे दुनिया सुधर गई लेकिन तू कब सुधरेगा? मालिक मालिक धीरे धीरे सुधर जाएंगे। अरे मौके का फायदा उठा रहे हो, पैर काम नहीं करता इसीलिए। तुम्हारी ड्यूटी जिंदान में है जहां पे वो हराम ज्यादा जंजीरों से जकड़ा है, इधर उधर करे तो गोली मार देना जी। और तुम मेरे साथ चली चलो। भैया भूकंप आए रहा का नीचे चली गए देखे नहीं घुस जाएगी। भैया भैया यार एक चीज जान लियो हम यार बरबरा चले गए मार यही का बड़ी बेइज्जती कर चले गए इसका साले दोखी के यही का मुंह से मार दवाई कहे न है। लेकिन अगर हम पॉइंट ना बदल दे तो लाला लाला खस बकरी बटोर दिए। अरे यार लेकिन ये जाए बेटा घुसाए इनके हस्ती से 65 ही आवत जाता है। ऐसा है चला जाए और नहीं अब की देते मारिस है। तुमसे बताई भाई जब पहले मारिस ना ज्यादा समझ में नहीं आवा, लेकिन जब दोबारा आए के हचक दिस ना तुमसे बताई भाई 3-4 बूंद पेशाब छूट गया। चलो चलते लेकिन चलते चलते कहा गया है? क्या कहा गया? कहा गया है अरियावत तिवारी अरियावत तिवारी अजब जमाना आवत तिवारी अजब जमाना आवत तिवारी आवत तिवारी अरियावत तिवारी छोड़ी कोई कह गई चारे चारे मौसिया भाई और बहन बिटिया पा न्यात धरे हैं जैसे मंत्रिया और बहन बिटिया पा न्यात धरे हैं कि बड़े सगे बेवारी आजब जगाना इंतजार करता हूँ वक्त और वक्त का हर शय गुलाम होता है। हाँ बात बात सही है। जब किसी इंसान के बद नसीबी के दिन आ जाते हैं हाँ? तो संसार में कोई नहीं साथ देता, कोई नहीं साथ देता। बात सही है। एक निर्दोष हाथों में हथकड़ी हाथों में हथकड़ी सही है के अंदर हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम लोगों ने जरा भी नहीं सोचा
कि ये सेनापत राज दरबार का वफादार सेनापत था। अब सेनापत था, मंत्री था, आरामदायक गद्दार मंत्री कुमार के कहने से उसने सारी राजधानी को खाक में मिला दिया। अब हम कहके बजाई कहके न बजाई, आप तो कहा ना करी तो आप कैसे हुए जाई, उनकी कैसे ना कह करी उनका तो उनकी कैसे हुए जाए। हाँ क्या आदेश सुरसंध किया है मेरे लिए? आदेश है कि आपको जेल में रहना है और मेरी ड्यूटी लगाई गई है। एक काम करो बताओ, आप लोगों से गुजारिश है। हाँ?